हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ BSF हेड कांस्टेबल ROR के लिए एक फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जिसको आप देखकर अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना क्या आता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है। ये की जाती है लाइट ईयर में, यानी कि इसकी यूनिट होती है लाइट ईयर। वन लाइट ईयर में होते हैं 9.46 × 10^15 मीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर किलोमीटर में करेंगे तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर। वन पारसेक होते हैं 3.08 × 10^16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइक्रोन, इसमें कितने मीटर होते हैं 10^-6 मीटर, और कितने मिलीमीटर 10^-6 × 10^3, यानी कि 0.001 mm, इतने 1 माइक्रोन में mm होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक क्वेश्चन आ सकता है यूनिट का मुझे तो। टैकोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, एक टैकोमीटर डिवाइस होता है, आपने पहले सुना हो ना सुना हो, तो टैकोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम स्पीड को नापते हैं। पावर इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ वर्क, इसका मतलब है अगर डेफिनेशन आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट इज़ द अनदर मीनिंग ऑफ पावर या फिर व्हाट इज़ द अनदर मीनिंग ऑफ रेट ऑफ वर्क, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। पावर इज़ द ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ वर्क, या फिर रेट ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर। अब डायमेंशनल फार्मूला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इसका होगा L1 m0 t-2। यूनिट ऑफ मोमेंटम SI सिस्टम में, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि दो सिस्टम होते हैं, एक SI सिस्टम होता है एक CGS सिस्टम होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ SI सिस्टम में, मोमेंटम SI सिस्टम में, इसकी फॉर्मूला होगा kg मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स और एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एनर्जी टेम्परेचर टाइम डेंसिटी और मास ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस एरिया एक स्केलर है और वेक्टर है, यानी कि सरफेस एरिया, एरिया जो भी होता है ना, चाहे कोई भी एरिया हो, वो वेक्टर और स्केलर दोनों की तरह बिहेव करेगा, ये आज के बाद आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायमेंशन वाला, ये तीन डायरेक्शन है, इनमें इतने मीटर एक आदमी जाता है, इतने मीटर एक आदमी जाता है, इतने मीटर एक आदमी जाता है, तो इसको अपना मैग्नीट्यूड निकालना है। तो R इज इक्वल टू √3 तीनों का स्क्वायर हो जाएगा और दोनों का सम हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर = 25, 144, 36 का स्क्वायर करके खोलेंगे तो 14.32 आएगा। दोस्तों आप ये कर लेना क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करवाता हूँ। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, अगर इम्पल्स की डेफिनेशन आ जाए फिर इम्पल्स के बारे में पूछे तो बता देना चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ये न्यूमेरिकल का टाइप है, अगर आपको मास दे दे 2 किलो, एफ दे दे यानी कि फोर्स 5 न्यूटन, तो फॉर्मूला लगाएंगे F=ma, फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2.5 आ जाएगा, और इसके साथ यूनिट जरूर लगाएंगे 2.5 मीटर पर सेकंड। ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, और कंपटीशन एग्जाम में तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, सिंपल जवाब है, तो इसमें 10th और 12th के लिए ही ज़रूरी है। ये इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप इस टाइप के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा 10th 12th में है तो वो प्रैक्टिस सेट लगा के देखा। ये वेलोसिटी टाइप का ग्राफ है जिसमें BC शो करता है जीरो वेलोसिटी, क्योंकि सीधी जा रहा है, जीरो वेलोसिटी होगी तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगला क्वेश्चन है, हमको दे दिया ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे दिया 3 सेकंड, यू दे दिया 0, वी निकालना है, तो इसको बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन में करना है ना हमें, तो ये इक्वेशन लगेगी V = U + Gt, V 0 U 0 है, G 9.8 × t 3 सेकंड, तो V निकाल देंगे 29.4 मीटर पर सेकंड। अगर हम किसी बॉल को, या फिर इफ़ वी फॉल एनी टू ऑब्जेक्ट इन ए वैक्यूम देन दीज ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अर्थ, ऐसा से अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ ऊपर से ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो दोनों एक ही टाइम पर ज़मीन पर गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली देन व्हाई डू पैसेंजर फॉरवर्ड, इसका मतलब है जब हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में ब्रेक मारा तो आगे की तरफ हम क्यों झुकते हैं, ये झुकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv² / r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे काम आता है? वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े अपने बाहर की तरफ धकेलती है, वो दही से घी निकालना। अगला क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल रॉकेट वर्क। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ये एक न्यूमेरिकल है, एफ दे दिया, एम दे दिया, ए निकालना है, वो पिछले वाला क्वेश्चन ही है। व्हीकल वाइज अब अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो इसमें चेंज होगा तो वो कहलाएगी वेलोसिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेक्टर है वेलोसिटी। तो दोस्तों देखो ये कर लेना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे देख लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है पैराबोला, इतना बता दिया। और एच मैक्सिमम कब होगा? u² sin² θ / 2g, और एच मैक्सिमम होगा u² / 2g, दोनों ही हुए। ये फिक्स एंगल के लिए होता है और ये चेंज इन एंगल के लिए होता है। ये कर लेना प्रोजेक्टाइल मोशन का, अगर डबल करेंगे तो मैक्सिमम रेंज 4 टाइम होगी। पाथ होता है पैराबोला, तो और ये ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, और ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एफ इक्वल्स टू μn, इसमें म्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा इज इक्वल टू लगाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों BSF का हेड कॉन्स्टेबल RORM के आपको एग्जाम की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।